नमस्कार मित्रों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पेड़ पौधों में काफ़ी चमत्कारी शक्तियाँ होती है, बस हमें उसे पहचानने आना चाहिए। एक ऐसे ही चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे गरीबी और परेशानी को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। हमारे आसपास में पाए जाने वाले पौधे, जिसे आँख या आंकड़े या मदार के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि 11 साल बाद अगर आंकड़े की जड़ को उखाड़ा जाए तो उसमें भगवान गणेश की आकृति जैसा हो जाता है। तो आज इसी के बारे में बताने वाले हैं, चमत्कारी फायदे के बारे में। अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आप चाहे तो ये देखेंगे कि इच्छा प्राप्ति, धन प्राप्ति और वैभव प्राप्ति करने के लिए, रोग मुक्ति पाने के लिए सरल से सरल उपाय बताएंगे। तो भगवान गणेश के विसर्जन से पहले इसको लाना है, आंकड़े की जड़ को, और बाद में भी ला सकते हैं। इसके फल पर जो रुई होते हैं, इसके पाती बनाकर 21 दिन तक जलाने से 7 जन्मों की गरीबी नहीं रहती है, जन्म जन्मांतर तक गरीबी खत्म हो जाती है। फल के बीज को अगर देव स्थल पर रखा जाए तो धन की प्राप्ति होती है। अगर आप 11 फल की माला का, इसी के आंकड़े की फल के माला का माला बनाते हैं और बीच बीच में पुष्प डाल देते हैं, और अगर पुष्प उजला वाला हो, सफ़ेद आंकड़े का फूल हो, पुष्प हो, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इसको भगवान गणेश को अर्पित अगर करते हैं तो दरिद्रता और गरीबी खत्म हो जाती है, और जो भी भगवान गणेश से मांगना चाहते हैं वह सब आपको प्रदान करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आप सभी दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।